हे व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ आकाश। तो गाइज, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को स्ट्रेट ट्रैक बना के दिखाया था, वैसे इस वीडियो में मैं आपको कर्व ट्रैक बना के दिखाऊंगा, वो भी मैस्टिक के मदद से। तो गाइज, इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा आप सभी को, अगर आपने स्ट्रेट ट्रैक वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप आई बटन में दे दूँ, आप वहाँ पर जाकर पहले चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आपको सही सा मैस्टिक कैसे चूज़ करनी है ट्रैक बनाने के लिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने उसी वीडियो में सिर्फ डाली है, बाकी आप देख सकते हो बेहतर नॉलेज के लिए आप कैसे आपको सिलेक्ट करना है सही सा स्टिक, देन आप ये वाला वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ कैसे आपको कर्व ट्रैक बनाना है, तो वीडियो को स्टार्ट करते गाइस। तो गाइस, सबसे पहले हमें एक कर्व डायग्राम बना लेना है कंपास की मदद से। आपको जितना कर्व चाहिए उस हिसाब से आप पहले इनर सर्कल ड्रा कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनर सर्कल सेमी सर्कल यहाँ पे बना दिया। देन अब क्या करना है, हमें स्केल की मदद से नाप लेना है, जैसे कि मैंने क्या लास्ट वीडियो में क्या बताया था, हर ट्रैक के बीच में क्या होता है आपका 1.7 सेंटीमीटर का गैप रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ 1.7 सेंटीमीटर का, एक मैं यहाँ पे करूँगा और एक मैं थोड़ा सा सेंटर में कर दूँगा, ताकि हमें पता चले कि कंपास का जो पेंसिल है सेम पोजीशन पे ही है। तो ये हो गया, अब क्या करेंगे, कंपास की मदद से दोबारा क्या उसे हल्का सा एक्सटेंड कर देंगे, जितना हमने पहले बनाया था उससे 1.7 सेंटीमीटर ज़्यादा करना है आपको। तो गाइस, यहाँ पे हमारा ट्रैक का डायग्राम होता है कंप्लीट। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे मैस्टिक को छील कर रखा है प्रॉपर तरीके से, कैसे छीलना है वो आपको स्ट्रेट ट्रैक वाली वीडियो में मिल जाएगी। देन क्या करेंगे, बाहर का जो सर्कल है आपका ट्रैक उसे हम चिपकाएंगे। उसे करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपको क्या लाइन के ऊपर ग्लू लगा लेनी है पहले ही, देन 1x1 स्टिक को रखना है यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे होता है हमारा बाहर का जो लाइन है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आता है मेन पार्ट, जो कि इनर वाला ट्रैक, उसे बनाने में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बाकी इस लाइन को आप स्किप मत करिएगा, बहुत ही काम आने वाला है। अगर आप प्रॉपर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना इस वीडियो को, जैसे कि मैंने एक स्टिक में ग्लू लगाया, देन यहाँ पे प्लेस कर दिया, देन दोबारा क्या हमने एक एचओ स्केल का व्हील लेके चेक कर दिया सही से चल रहा है, यहाँ चल रहा है, देन क्या दोबारा एक स्टिक लगा के माप लिया है, देन ऊपर वाले को थोड़ा सा काट लिया है। इसके ऊपर मैंने जो ट्रैक माची इसके तिल लिया है ना, समझना बात को, उस हिसाब से मैंने ये वाला काट लिया है, देन यहाँ पे प्लेस किया है, देन दोबारा व्हील लगाया यहाँ पे चेक करने के लिए सही से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अब देखना यहाँ पे प्लेस किया, चिपकाया नहीं, यहाँ पे प्लेस किया मैंने मैस्टिक को, देन ऊपर वाला जो तिल लिया उस हिसाब से मैंने ये वाला सही से काट लिया है, ठीक है, समझ रहे ना आप। देन इसे भी यहाँ पे प्लेस कर दिया, देन दोबारा मैं चेक करूँगा, हाँ प्रॉपर वर्क कर रहा है, देन दोबारा स्टिक लेंगे, दोबारा हम मापेंगे, देखना इसे भी ऊपर वाला लाइन के हिसाब से, यहाँ पे मैंने ये भी कट कर लिया हल्का सा, देन इसे भी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, सेम ऐसे ही करके आपको करते जाना है। देखिए एक और स्टिक लिया मैंने,
देन ऊपर देख सकते हैं हल्का सा काट दिया ऊपर वाले ट्रैक के हिसाब से। देन दोबारा ग्लू लगाया मैंने, लो इसे भी लगा दिया मैंने। और एक बात, मैं इस बेसिस पे भी आप काट सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया ना स्टिक को, देख सकते हो वो जो कर्व लाइन है उससे हल्का सा बाहर जा रहा है, वो वाला पार्ट हल्का सा काट लेंगे, या फिर ऊपर वाला जो स्टिक लगाया आपने उस हिसाब से काट लेंगे आप, जहाँ पे उसका एंड है उस हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि जो अंदर वाला ट्रैक है हल्का सा छोटा होता जा रहा है बाहर के मुकाबले। अब समझना बात को, देख सकते ये वाला भी काट दिया मैंने, अब थोड़ा सा ही बाकी रह गया, अब 3 स्टिक लगाने हैं आपको। अब जो सेकंड लास्ट स्टिक है अब वो लगाना बाकी रह गया, दो इसे भी मैंने यहाँ पे प्लेस करके देखा, देख सकते हैं हल्का सा निकला हुआ है, तो वो वाला पार्ट हम काटेंगे देन इसे भी लगा देंगे। अब देखना जो बाहर वाला लास्ट वाला जो स्टिक हम लगाएंगे उसका साइज और उसका ऑपोजिट वाला जो स्टिक का साइज है दोनों सेम है, तो हम उसे काटेंगे नहीं, अब एज इट इज़ वहीं पे लगा देंगे। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारा कर्व ट्रैक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेन चला के दिखाने वाला हूँ इसी ट्रैक पे, तो आप इंजॉय कीजिए, और पसंद आए तो इस बात पे एक लाइक कर देना, और कमेंट में लगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि जो मैंने अभी समझाया वो आपको समझ में आया है या नहीं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा, ये कर्व ट्रैक वाली वीडियो, अगर हाँ तो लाइक कर देना और कमेंट करके अपना अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।